मेरी फोर्थ रैंक आई है इस बार एंड आई एम अ मेडिकल साइंस ग्रेजुएट. आई एम एन MBBS एंड आई वॉज डूइंग MD विच आई लेफ्ट, सो आई डोंट हैव दैट डिग्री. एंड दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड माई ऑप्शनल वॉज ऑल्सो मेडिकल साइंस. एनीबडी फ्रॉम मेडिकल साइंस ऑप्शनल? वेरी रेयर बट गुड. ओके सो आई बिन कॉल्ड कि मैं आपको अपना स्ट्रैटेजी बताऊँ. आई यूज टू सिट हियर टिल डिसम्बर एज यू ऑल नो. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द मेन्स टेस्ट सीरीज, नॉट द क्लासरूम और PT, बट अ स्टूडेंट ऑफ द टेस्ट सीरीज. और आई हैव गिवन आई थिंक 10 और सो टेस्ट जो प्री के बाद होते हैं, ऑल ऑफ देम बाई कमिंग टू दिस वेरी सेंटर सिटिंग वेयर यूर सेटिंग. सो मैं बताती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट अ फ्यू थिंग्स यू नो टू बी मेड क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो, इट इज़ 50% लक एंड 50% हार्ड वर्क. सो आई बिलीव आई बीन एक्सट्रीमली लकी. तो आप प्लीज़ जो भी सुने ये मत सोचना कि इफ़ यू डू दिस यू विल गेट थ्रू, बिकॉज देर इज़ अ बिग एस्पेक्ट ऑफ लक इन इट. एंड नंबर टू इज़ प्लीज़ हैव अ लिटिल फेथ इन वॉट आई एम सेइंग. कुछ चीज़ें आपको काफ़ी अनबिलीवेबल लगेंगी बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट. ओके, आई मे बी आई बीन लकी बट ट्राई टू बिलीव वॉट आई एम सेइंग. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. वेन इज़ द प्रिलिम्स? प्रिलिम्स इज़ ऑन 7th. सो वील बिगिन विथ प्रिलिम्स का छोटा सा. फर्स्ट ऑफ ऑल अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रिलिम्स. सबसे पहले तो डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 months एक्सक्लूसिवली ऑन प्रिलिम्स. ठीक है, दिस इज वन मिस्टेक दैट आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेक, कि वो सिर्फ प्रिलिम्स की तैयारी करते रहते हैं अगस्त तक एंड देन दे थिंक कि जब रिजल्ट आएगा देन वील प्रिपेयर फॉर मेंस. डू नॉट डू दैट. ठीक है, इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, आई कैन अश्योर यू विल गेट थ्रू प्रिलिम्स. एंड आई कैन से दिस बिकॉज आई वॉज डूइंग MD यू नो इन पीडियाट्रिक्स इन टिल नवंबर 2014. आई रिजाइंड फ्रॉम इट इन डिसंबर. उसके बाद आई केम बैक, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स फर्स्ट. समवन टोल्ड मी कि पहले मेन्स की तैयारी करो एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मे ऑफ 2015 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्रिलिम्स एंड आई गॉट थ्रू प्रिलिम्स. ठीक है, एंड सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से कि आप प्रिलिम्स की ज़्यादा टेंशन मत लें. इफ़ यू आर सिंसियर यू विल गेट थ्रू बिकॉज इट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम. कीप दिस इन योर माइंड, यू नो यू विल गेट नथिंग बाई गेटिंग 200 आउट ऑफ 200 इन प्रिलिम्स. ठीक है, नाउ दैट CSAT इज मेड क्वालिफाइंग, उसके लिए ज़्यादा कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है. इट्स जस्ट मैथ्स प्लस माइनस इंग्लिश थोड़ा सा, इट्स 10th लेवल का चीज़ है. तो डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट गो फॉर स्पेशल ये वो 10 minutes 30 minutes वाली क्लासेस. इट्स वेरी सिंपल एंड एनीबडी विथ अ लिटिल बिट ऑफ एप्टीट्यूड कैन गेट थ्रू पेपर 2 ऑफ प्रिलिम्स. पेपर 1 विच इज़ GS, उसके बारे में इन शॉर्ट वॉट आई कैन टेल यू इज दैट आप जो भी पढ़ रहे हो, वॉट एवर यू आर रीडिंग, नोट्स हो, बुक्स हो, स्पेक्ट्रम हो, करंट अफेयर हो, एनीथिंग दैट यू आर रीडिंग should be supplemented with doing test papers. That is the most important advice that anybody can give you about prelims. मैंने जून जुलाई तक भी काफ़ी सारा मेन्स का पढ़ा था बिकॉज आई हैड माई ब्रदर गाइडिंग मी एंड उसने मुझे बोला था कि 23rd August को prelims है तो तुम क्या करो 1st August को जाओ किसी भी 2 reputed कोचिंग सेंटर्स के सारे पेपर्स ले आओ. सो गेट सम 40-50 पेपर्स एंड फिनिश देम इन 20 days एंड दोज विल बी दैट इज द प्रिपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग prelims. एंड दिस इज समथिंग वेरी ट्रू, इसलिए मैं कह रही थी हैव अ लिटिल ट्रस्ट इन मी. आप कितना भी पढ़ लें, यू कैन लर्न होल ऑफ स्पेक्ट्रम, यू कैन लर्न ऑल ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरा करंट अफेयर. इट विल नॉट बी मोर हेल्पफुल देन सॉल्विंग अबाउट 20 टेस्ट पेपर्स. ठीक है, बिकॉज देर इज नो सिलेबस ऑफ प्रिलिम्स अनलाइक मेन्स. प्रिलिम्स विल कैच एवरीथिंग विच इज अंडर द सन. सो इसके लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू हैव ज्वाइन दिस. दिस इज अ वेरी रिप्यूटेड प्लेस ऑफ कोर्स. तो आप यहाँ के कोचिंग के पेपर्स ले लें, कहीं और के ले लें, यू हैव एनी अदर गाइडेंस, समबडी गिविंग यू पेपर्स, डू इट. ऑनलाइन मिल रहे हो, डू दैट. The most important advice regarding prelims. Number 2 that I can tell you, sources तो सबको पता होते हैं prelims के. What is essential is कि आप एक बार controlled environment में test दे दें ताकि you know कि आप कितनी negative marking कर देते हैं. That is very important. ठीक है, because I attempted some 80 questions and when I was attempting, I think I felt कि मेरे सारे सही हैं. I found the paper very easy last year का जो हमारा आया था. And when I came back, I realized कि मेरे 20-25 तो गलत थे. So this should not happen with you. सो ट्राई टू रिड्यूस योर नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि मैंने कोई भी कंट्रोल्ड सेटिंग में टेस्ट नहीं दिया था. आई डिड इट ऑल इन माई रूम कि कर रहे हैं, फिर आंसर देख रहे हैं, फिर उसको बुक की तरह पढ़ ले रहे हैं पेपर को, यू नो दैट वे. सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम मी. यू शुड गिव 1 or 2 टेस्ट इन कंट्रोल सेटिंग, या तो आप अच्छे से अपने को असेस कर लें उसी तरह घर पर बैठ के भी. सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग प्रिलिम्स. प्रिलिम्स इज क्वालिफाइंग, ठीक है. सो डोंट गेट टू स्ट्रेस्ड अबाउट इट. आपके चाहे 100 आ रहे हो, चाहे 200 आ रहे हो, इट डजेंट रियली मैटर. Right, your aim is to get through the mains examination. That is what will get you in the final list. That is what will make you a topper. So I will talk more about that. ठीक है, prelims is cool. Okay, any content related अगर queries हैं तो वो तो you have teachers, you have guidance, ample guidance in Rajendra Nagar, more than required. So I can only say कि आप papers करें, it will sail you through. ठीक है, then we come to mains. Mains के लिए what happens is when you are done with prelims, you are left with 3 odd months. And that is the toughest part of the entire year.
दैट इज द पार्ट जहाँ पे एवरी डे योर स्ट्रेंथ विल बी टेस्टेड एज मच एज योर नॉलेज. बिकॉज एवरी डे यू विल फील दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. आपका ऑप्शनल छूट जाएगा इफ यू आर डूइंग पेपर वन, पेपर टू छूट जाएगा इफ यू आर डूइंग पेपर फोर, ऐसे छूट जाएगा इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इंप्रूविंग ऑप्शनल्स. सो दैट इज वन प्लेस जहाँ पे वेरी स्पेसिफिकली आई विल से वर्क ऑन योर माइंड. डू नॉट गेट बॉग डाउन. आप ऐसा मत सोचिए कि आपको हर दिन सब कुछ पढ़ना है. यू कम टू गिव अ टेस्ट, यू गेट मे बी 60 मार्क्स इन इट. डू नॉट गेट बॉग डाउन बाई दैट. ओके, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. चाहे कोई आपको कुछ भी कह दे, योर रैंक एंड मेरिट विल बी डिसाइडेड ऑन 3rd of December. वही डेट है ना शायद मेंस की. बस तो उसके पहले कोई टॉप कर रहा है, कोई लास्ट आ रहा है, इट डज नॉट मैटर. होल्ड योर पेशेंस, होल्ड योर स्ट्रेंथ फॉर 3rd of December. दैट इज़ द डे यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड. मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ था. आई वॉज वेरी सिक्लूडेड. मैं टेस्ट देने आती थी, somebody used to say ये हो गया, ये बिल आया, ये एक्ट आया, यूज टू गो बैक एंड ट्राई फॉर एन आयर. फिर मेरा एक दिन खराब होता था उसमें. डू नॉट डू दैट. एंड तक यू विल डू वेल. ओके, हैव दिस कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. एंड दिस इज वॉट आई हैव बीन राइटिंग एंड सेइंग टू मेनी पीपल कि मोर देन नॉलेज दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ, ऑफ योर पेशेंस, ऑफ योर पर्सनैलिटी. ठीक है, मेन्स के जो नंबर होते हैं, मेन्स का जो मार्किंग पैटर्न है, दैट इज समथिंग सो ओपेक कि मैं भी नहीं बता सकती कि मुझे क्यों मिल गए. है ना, वाई आई गॉट सेलेक्टेड, बिकॉज आई डोंट नो वॉट वर्क वॉट डिड नॉट. अभी नंबर्स आ गए हैं, इवन देन आई कैन नॉट टेल यू. आई विल टेल यू वन वेरी पर्सनल थिंग. पेपर टू देने के बाद वेन आई केम बैक, आई वॉज क्राइंग. आई वॉज एक्चुअली क्राइंग इन माई होटल रूम जब मैं वापस आई थी कि ये तो मतलब बर्बाद हो गया. एंड यू नो वॉट हैपन्स, यू स्पेंड ऑल योर टाइम प्रिपेयरिंग पेपर टू एंड थ्री. राइट, वन तो हार्डली कोई पढ़ता है, फोर तो ऐसे ही बहुत पता नहीं कौन पढ़ता है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं. एंड यू मे बी यू प्रिपेयर योर ऑप्शनल एंड यू प्रिपेयर टू एंड थ्री. मतलब आई यूज टू डू दैट. और जब मेरा टू वॉज अ पेपर इन विच आई वॉज क्लोज टू टीयर्स वाइल गिविंग द पेपर एंड आई एक्चुअली क्राइड वाइल कमिंग बैक बिकॉज आई डिड नॉट हैव एन आइडिया अबाउट 5 or 6 क्वेश्चंस. बिल्कुल ही नहीं, कभी देखे ही नहीं टाइप के. एंड द रेस्ट ऑफ इट तो वही टाइम मैनेजमेंट से ही थोड़ा स्क्रू अप हो जाता है. सो दैट इज वॉट हैपेंड. एंड आई हैव गॉट 96 मार्क्स इन इट, विच इज़ प्रॉबेबली अ वेरी गुड स्कोर इन पेपर टू दिस ईयर. पीपल हैव नॉट क्रॉस्ड 80, मोस्ट ऑफ देम, सम हैव नॉट क्रॉस्ड 90. सो इट इज़ अपेरेंटली दी बेस्ट. मतलब पेपर वन से ज़्यादा नंबर मुझे टू में आए. So this is what you should learn from my experience. This is the only thing that I am better at than all of you. It is not knowledge, it is just experience. Take this experience from me. Aapko koi lage ki you have done this horrible big mistake, it does not work out that way. Theek hai? Many times, so what I should have done is I should have come back and read 3 and 4. Maine us din itna time barbaad kiya kyunki I was crying because of paper 2. So don't do that. Now coming to the strategy. Mains mein there is the first paper is an essay. You have to write 2 essays. Okay? क्विक पॉइंट्स अबाउट दी एसेज, देर इज नो आइडियल एसे. किसी भी टॉपिक का कोई ऐसे नहीं होता है. जस्ट गो थ्रू दी टॉपिक्स जो आए हैं. यू नो यू विल, टू फ्रेंड्स कैन इंटरप्रेट दैट सेंटेंस डिफरेंटली. इतना सब्जेक्टिव एसे आता है पेपर में. राइट, आई रोट एन एसे ऑन ड्रीम्स एंड ड्रीम्स दैट डोंट लेट इंडिया स्लीप. दिस वॉज वन एसे. नाउ दिस इज समथिंग सो वाइड इन स्कोप. है ना, कोई भी, इट कैन बी सो डिफरेंट फॉर सो मेनी पीपल. फॉर अ डॉक्टर इट कैन मीन समथिंग डिफरेंट, फॉर एन इंजीनियर इट्स डिफरेंट. आपका कोई और ऑप्शनल है, आप उस साइड से सोच सकते हो. So for an essay, what I did was, do not do it. I did not write any single essay. मेरे पास टाइम ही नहीं मिला मुझे. मैं इतना सारा बाकी सब कुछ पढ़ना था. Do write a couple of essays, क्योंकि वहाँ पर जाके टाइम मैनेजमेंट बिकम्स एन इशू. तो एक बार ट्राई टू राइट 2 essays इन 3 hours. ठीक है, अदर देन दैट नो स्पेशल प्रिपरेशन इज नीडेड. एवरी थिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इन GS विल हेल्प यू इन राइटिंग द essay. इफ यू आर थरो विद द न्यूज़पेपर, विद आर्टिकल्स, विद फ्रंटलाइन, विद दिस दैट, वट एवर यू आर रीडिंग, तो वहाँ पर बन जाएंगे. वो जितने 1200,000 वर्ड्स मांगते हैं, यू कैन डू इट. वन थिंग दैट आई डिड वॉज कि एक दिन पहले वेन आई वेंट टू दैट होटल, कुछ करने को नहीं था, सो आई गूगल्ड द कोट्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पीपल. ओके, यू कैन लाइक, आई गूगल्ड नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, मैक्स वेबर, और कौन था, मार्टिन लूथर किंग, लिंकन, कोट्स ऑन डेमोक्रेसी, ऑन नेशनलिज्म, ऑन नेशन बिल्डिंग, ऑन एजुकेशन. तो आई लाइक रीडिंग कोट्स, तो मैंने ऐसे 10-12 कोट्स लिख लिए. वो मैंने 10-12 बार पढ़ लिए कि अच्छा, एजुकेशन पे ये बोला है कोफी अन्नान ने, पीस पे ये बोला है किसी ने, कुछ बोला है. होना ही होना है कि जो एसेज आएंगे, यू कैन स्टार्ट वन ऑफ देम बाय दिस. क्योंकि डेमोक्रेसी, पीस, नेशन, यूथ, इनके अलावा कहाँ से आएंगे ऐसे, या वुमेन. तो दिस इज कॉल्ड, यू नो, दिस इज समथिंग स्मार्ट दैट आई थिंक आई डिड. तो डू दिस. एक दिन पहले लर्न अ फ्यू कोट्स, स्टार्ट योर एसे विद अ कोट, एक्सप्लेन द कोट. इट गिव्स अ वेरी नाइस टच टू इट ना, कि आपने इतना पढ़ा है दैट यू नो वॉट कोफी अन्नान थॉट ऑफ पीस. इट इज जस्ट समथिंग दैट यू रेड यस्टरडे. बट दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर. और फिर आप एंड भी कर दो एक कोट से, इट विल गिव अ वेरी नाइस यू नो फीलिंग टू द पर्सन हुज चेकिंग, आई सपोज. और अच्छा अच्छा हो जाता है, ऐसे में ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है. बी वेरी डाइवर्स अबाउट इट. बहुत सारे पॉइंट्स ले लो. ड्रीम है तो बस ये नहीं कि जो तुम्हारी ड्रीम है बस वही लिखाया 10 pages में. टॉक अबाउट इकोनॉमिक ड्रीम क्या हो सकती है, सोशल क्या हो सकता है. ये ड्रीम है तो इसके 10 aspects क्या है, इफेक्ट्स क्या है, पहले क्या होगा.
chart that thing in your mind for 10 or is too much 7 minutes or so and then write. ठीक है, एनीथिंग यू राइट विल बी ऑफ अ वंडरफुल स्टैंडर्ड दैट आई कैन अश्योर यू. इसलिए आप ऐसे मत करो. आई हैव नोन पीपल हु हैव रिटन थिंग्स एंड कट एंड देन रिटन अगेन. डू नॉट डू दिस. द पर्सन हु इज चेकिंग मे बी हैज इवन लेस नॉलेज देन यू. नो, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग. तो डू नॉट डू दिस. थोड़ा अपने में कॉन्फिडेंस रखना है और ये कोट्स वाला थोड़ा करना है एंड बी ब्रीफ, यूज सिंपल वर्ड्स, बस बी वेरी डाइवर्स अबाउट इट और ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन्स. चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे टॉपिक बहुत ही सैड सा हो, वुमेन की हालत बड़ी खराब है, एजुकेशन कहाँ जा रहा है कंट्री का, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है, सो ब्रिंग अप अ वेरी नाइस ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन एंड फिनिश ऑन टाइम. एसे का इतना ही है. मेंस 4 पेपर्स. पेपर वन इज ऑल स्टैटिक, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलॉट ऑफ क्या क्या डिजास्टर एंड समथिंग. एंड सोसाइटी इज वन थिंग विच इज वेरी दैट वेरी डायनामिक इन पेपर वन. सो द स्ट्रैटेजी शुड बी स्टैटिक. आप प्रिपेयर कर लो प्रिलिम्स के साथ, ठीक है, क्योंकि प्रिलिम्स के लिए तो पढ़ना ही है सारा. तो प्रिपेयर इट इन अ वे कि आंसर भी लिखने आ जाए थोड़ा ज्योग्राफी का. ना कोई पूछ दे कि ओशन करंट पे 5 नंबर है तो यू कैन राइट दैट, मेक दैट, क्योंकि प्रिलिम्स के लिए यू आर प्रिपेयरिंग. सो वेरी स्मार्टली जो पार्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं उनको आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ऑगस्ट के पहले. फाइन. सोसाइटी एंड अदर्स, अलॉट ऑफ बुकलेट्स, अलॉट ऑफ दिस थिंग दैट थिंग. आई वुड से किसी एक, इफ यू रिस्पेक्ट और यू हैव फेथ इन सम वन कोचिंग, गेट दैट मटेरियल. और जो आपका न्यूज़पेपर की नॉलेज है दैट विल ऐड. और कोई ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस एक्चुअली नेवर कम इन यूपीएससी कि सोसाइटी क्या होती है, कितनी फैमिलीज होती हैं, जनरेशन क्या, दीज थिंग्स डू नॉट कम. द ओनली थिंग दैट कम्स इज आज की सोसाइटी में खप पंचायत आ गई हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट या व्हाट विल यू डू फॉर दैट. तो दैट इज समथिंग वेरी रेलिवेंट टू यू. ये हिंदू पढ़ने से या न्यूज़ पेपर्स पढ़ने से यू विल नो, यू कैन राइट अ डिसेंट आंसर. सो आई एम जस्ट हियर टू, यू नो, आई हैव हर्ड दिस कोट कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. So I am just here to simplify the process. यहाँ पे आपको इतने लोग मिल जाएंगे who will complicate the process, who will say कि mains में ये करना है, वो करना है, it's very difficult है, बड़ा ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो paper वन में complete the static portion with the prelims. जो dynamic है you will have it, you will know it if you are a sincere student. और answer writing तो I will talk about बाद में कि वो कितना importance है to increase that.